जब भी हम अपने देश और अपनी तरक्की की ओर देखते हैं, तो अपने स्वतंत्र होने पर नाज करते हैं। हमें अक्सर हमारे राष्ट्रपिता बापू की याद आती है और उनके साथ ही याद आता है उनका चरखा, जो आजादी का परचम बना है। चरखा आज भी हमारे स्वावलंबी होने का मिसाल है और आज इसी मिसाल को मंडपेटा के पास नल्लूरु गांव के हुनरबाज एक चरखाबाजी के जबरदस्त कंपटीशन के साथ हमारा दिल लुभाएंगे। ये कंपटीशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। संयुक्ता, क्या हम इस कंपटीशन को शुरू कर सकते हैं? समय इप्पुडु मोदलवुतुंदी। ओकटी रेंडु मूडु। तो घड़ी की टिक टिक के साथ शुरू हो गया है ये ताने बाने का टास्क। गांधी जी ने चरखे को अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया था और कपास की खेती रुकवा के और खादी काट के अहिंसा के रास्ते अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। आज यहाँ इन छयों में कौन किसके दांत खट्टे करता है और कौन बनता है सबसे बड़ा हुनरबाज, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अरे ये क्या, वीरालक्ष्मी का धागा तो टूट गया। वीरालक्ष्मी के चेहरे पर डंजन साफ झलक रही है और हो भी क्यों ना, जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए एक एक पल महत्वपूर्ण है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटखाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम ने एकदम सही कहा था, पर ताने बाने के इस खेल में धागा टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, पर इसमें भी एक खास हुनर की जरूरत होती है। विशालक्षी जी तो काफी तेज चल रही हैं, इनका एक लच्छा तो खत्म होने को आया। सत्यवती की उम्र भले ही सबसे ज्यादा हो, लेकिन उनकी हाथ की तेजी देखकर लगता है अनुभव का अपना महत्व है। अरे ये क्या, इनके लच्छे तो उलझ गए। वहीं दुर्गा भवानी और विशालक्षी के धागे टूट रहे हैं, जल्दी के चक्कर में इन्होंने चरखे को तेज घुमा दिया है। देखते हैं ये अपने अनुभव का प्रयोग करके कितनी जल्दी टास्क में वापस आती हैं। जहां बाकियों के धागे बार बार टूट रहे हैं, वहीं मंगा यम्मा सामान्य गति से चरखे को चलाते हुए काम में लगी हुई हैं। देखने में सिंपल लगने वाले काम में कुछ खास बारीकियां भी हैं। लगातार एक हाथ से चरखा चलाते हुए दूसरे हाथ से धागे को लपेटना इतना आसान काम नहीं है, वो भी एक खास मुद्रा में घंटों बैठे हुए। हाथ, आंख और पीठ का ये सही कोऑर्डिनेशन संभाल पाएं, तभी इसमें अपना हुनर आजमाइएगा। विशालक्षी अपने पहले लच्छे को खत्म कर दूसरे को लगाने में लगी हैं। वहीं मंगा यम्मा सबसे बेखबर ध्यान से अपने पाने को लपेटने में जुटी हुई हैं। वक्त की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और धड़कनों की रफ्तार भी। आखिरी पांच की गिनती, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। स्टॉप। अब हमें ये जानना है कि इस चैलेंज को किसने अच्छी तरीके से पूरा किया है और कौन इस चैलेंज को जीतता है। इसमें हमारी मदद करेंगी संयुक्ता जी, हमें बताइए कि कौन इस चैलेंज को जीतता है। चलिए देखते। और अब वक्त है सभी हुनरबाजों के हुनर को परखने का, और देर न करते हुए मेंटर संयुक्ता जुट गई हैं बारीकी से सभी हुनरबाजों के काम का आकलन करने में। गिनकर संयुक्ता जी ये पता लगा रही हैं कि किसका कितना ताना बचा हुआ है। जिसका ताना सबसे कम होगा वही बनेगा विजेता। हमने सारे कंटेस्टेंट्स का काम देख लिया है, अब हमें ये जानना है कि इस चैलेंज को किसने जीता है। संयुक्ता जी हमें बताइए कि इस चैलेंज का विनर कौन है। आज का विनर है चल्ला मंगयम्मा, वो वहीं बैठी है, आ जाइए। अपनी तन्मयता और लगन से कई कम उम्र प्रतियोगियों को पीछे छोड़कर मंगयम्मा बन गई हैं आज की हुनरबाज। ये है हमारी आज की विनर, कॉन्ग्रेचुलेशन। इनको कैसा लग रहा है जीत कर? ये बहुत खुश है इस चैलेंज को जीत कर। तो चलिए हम बाकी कंटेस्टेंट्स को भी बुला लेते हैं, सब आ जाइए। संयुक्ता जी प्लीज।